बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, जो शायद आपको पीछे दिख रहा होगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको कुछ फोटोज वीडियो में दिखाता हूँ, चलिए शुरू करते। तो दोस्तों सामने में जो आपको दिख रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है ग्रे बाबूला, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ फोटो। ये देखो दोस्तों, ये है कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा, ये है दोस्तों ग्रे बाबूला, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा लिखा हुआ है। तो दोस्तों फाइनली चलिए मैं आपको और पंछी वगैरह मैं दिखाता हूँ। शुतुरमुर्ग जो है दोस्तों सामने में है, मैं आपको पीछे वाला कैमरे से वो दिखाने वाला हूँ। तो कुछ भाई इधर तो बहुत भीड़ है यार, बहुत भीड़ है। चलिए मैं आपको पीछे वाले कैमरे से मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। इधर आप देख सकते हो पीछे साइड पूरा भीड़ ही भीड़ है। दोस्तों हम लोग इधर शुतुरमुर्ग का जो पंछी था दोस्तों वो सब हम लोग देख चुके हैं और आगे जा रहे हैं। दोस्तों आगे कुछ जानवर वगैरह है, भारतीय बाघ यहाँ लिखा हुआ है, ये देख सकते हो, उधर ही हम लोग जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको और कुछ नज़ारे। भाई जो कैमरा है एक्शन कैमरा से तो जूम तो होता नहीं, तो मोबाइल से हमको लेना पड़ रहा है। फाइनली दोस्तों अभी हम लोग इंडियन टाइगर को देख के जा रहे हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसा और नज़ारा मिलते हैं। भाई इधर देख लो, पोस्टर वगैरह लगा हुआ है, बहुत चिड़िया है भाई। इधर भाई देखो, एक इंडियन टाइगर सोया है, तेंदुआ यहाँ पर दोस्तों, तेंदुआ है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो पूरा ये दिखेगा भाई, देख लो आगे तेंदुआ है। चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ, बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हो, इधर काला तेंदुआ वगैरह सब कुछ मैंने आपको दिखाया था, आपको पहले भी दिखा होगा भाई। इधर साइड है पूरा बना हुआ, और इधर तो भाई गेट ही बंद है यार, देखो इधर बंद है। आगे मैं और मैं दिखाने का प्रयास मैं करूँगा दोस्तों, देखते हैं आगे और कोई जानवर वगैरह है। बहुत जानवर है यार, एक जगह नहीं है, पूरा मतलब घूमना पड़ेगा, एक दो तीन घंटा आपको लग ही जाएंगे पूरा घूमने में। ठीक है इधर सब देखो, सब लोग आए हुए हैं पूरा। चलिए मैं आपको आगे मैं दिखाता हूँ ओरिजिनल में खटास भाई, ये देखो खटास सोया है, खटास का हो सुतल है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको खटास दिखाया, जैसा कि आपको दिखा होगा,
तन की रक्षा, अपनी सुरक्षा, घर की रक्षा, परिवार की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, सबकी रक्षा। वही टैग लिखा हुआ है। ये दोस्तों ये है चीता बिल्ली, जो आपको सामने में दिख रहा होगा, मैंने नज़दीक जाता हूँ। बिल्ली टाइप का है लेकिन शेर का आकार का है, आप देख सकते हो। चीता जैसा होता है ना वैसा ही है, बिल्ली है एक, इधर चीता बिल्ली है, दिखाता हूँ। एक यहाँ पर बैठा हुआ है, जूम आउट कर देते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको चीता बिल्ली दिखाया, बिल्ली टाइप का ही है लेकिन इसका जो आकार है वो चीता जैसा होता है ना वैसा ही है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये शायद बिल्ली है, जंगली बिल्ली। यहाँ लगा हुआ एक टैग, इसे पहचान सकते हो कि कौन सा बिल्ली है। ये जंगली बिल्ली जो हम लोग घर में होता है वैसा ही है, दिखाता हूँ इधर। ये देख लो, ये है जंगली बिल्ली, शायद आपको पीछे दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ। तो आज ना धूप भी नहीं है जिसकी वजह से लग रहा है पूरा शाम हो गया, लेकिन अभी शाम नहीं हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं, हाथी वगैरह अगर मिल जाता है तो वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों बहुत दूर दूर में है यार, घूमते घूमते हालत ख़राब हो जाएगा आपका। दोस्तों अगर आप आते हैं यहाँ तो आपको गाड़ी भी मिल जाएंगे, यहाँ पर गाड़ी से भी आप घूम सकते हैं, या तो आप पैदल जाओ, पैदल घूमो। पूरा देखो यार, पूरा जंगल है, ये देखो पूरा जंगल ही जंगल। आगे मैं आपको मैं दिखाता हूँ, चलो आगे चलो, उधर हमको जाना है, मैं दिखाता हूँ आपको, उधर जाना है, उधर शायद एलिफेंट वगैरह मिल जाए और भी जानवर मिल जाए। दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक करो, और आना है तो भाई आ जाओ चिड़ियाघर रांची में। ये देख लो, ये है सिंह बब्बर सिंह। क्या नाम लिखा है रे? सिंह बब्बर शेर, सिंह बब्बर शेर है ये, आप देख सकते हो पीछे साइड। जंगल का ये देखिए भाई, जंगल का भाई आपको दिख रहा हो या बहुत दूर में है तगड़ा भाई। देखो भाई इसके हैंड में एक बार आ गया भाई बचेगा नहीं कोई। बब्बर से भाई कुछ जोरदार है यार, यार वो अभी माथा घुमा रहा है उधर, आपको दिख रहा होगा सही से। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बब्बर शेर मैंने आपको दिखाया, और इधर दोस्तों बैठने के लिए कुछ बनाए गए हैं, गार्डन टाइप का, पार्क टाइप का, इधर आप देख सकते हो। वहाँ दोस्तों दो हाथी का बनाया गया है, जैसे कि मैंने आपको ऑक्सीजन पार्क मैंने आपको दिखाया था वैसा ही बना हुआ है। ये देखो एलिफेंट का ये बना हुआ है, जैसे कि मैंने आपको ऑक्सीजन पार्क मैंने भी दिखाया था, एक था वहाँ, यहाँ दो ठो है, देख लो। ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, ओरिजिनल कहीं मिल जाए तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। आगे चलते हैं, कहीं मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, देखते हैं आगे हाथी वगैरह मिल जाए और भी मजा। वर्मा जी पार गई, क्या लिखा था वहाँ? वर्मा जी बिरसा, बिरसा बायोलॉजिकल पार्क नाम है इसका, जगह का नाम हनुमान जी है, पार्क का नाम बिरसा बायोलॉजिकल पार्क है, जो हनुमान जी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ओके ओके बेबी, ओके ओके, हाँ बोलो 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 बोलो। फ्रेंड्स ये पार्क का नाम बिरसा बायोलॉजिकल पार्क है, बल्कि ये जगह का नाम हनुमान जी है, तो इसको हम हनुमान जी पार्क से भी जाना जाता है, इसको हनुमान जी जू के नाम से भी जानते हैं, बिरसा जू के नाम से। बस भाई इतना टैलेंट दिखा, ठीक है, इतना टैलेंट दिखा, ज़्यादा टैलेंट दिखाओगे ना तो फंस जाओगे बाबू। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं, क्या चीज़ है, शेर है, एशियाई सिंह, एशियाई सिंह है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा आवाज़ कर रहा, पूरा चिल्ला रहा है भाई, पूरा दिखाता हूँ इधर से, कहाँ है दिखाता हूँ मैं आपको। देखो भाई ये एशियाई शेर यार, दिखा रहे लो, तगड़ा है। देखो भाई दिख रहा होगा बस आपको यार, सब बैठा हुआ यहाँ, देखो इसमें, देखो कैमरा में देखो, देख लिया ना भाई, मैं थोड़ा सामने जा रहा हूँ, सामने से लेकर कोशिश करता हूँ यार, यही तो नीचे ऊपर आता यार, तगड़ा आता मेरा भाई,
सॉलिड पिज्जा भाई। बाप रे ना ना चल दोस्तों, अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं ये है एशियाई लियन जो मैंने आपको पहले दिखाया। भाई बहुत दौड़ रहा है, आगे मैं जाके मैं कुछ नया चीज दिखाता हूँ, वो तो देख ही लिए। वहाँ था उस टाइम दहाड़ा नहीं, अभी दहाड़ रहा है पूरा। और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ क्या चीज है, क्रोकोडाइल, बियर, कॉक्स। आगे हमको जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या चीज है, हाइना, लकड़बग्घा। लकड़बग्घा यहाँ पर है दोस्तों, मैं उनको दिखाता हूँ। इधर कहीं दिखे, उधर साइड है नहीं दिख रहा होगा। अभी दोस्तों हम लोग लकड़बग्घा को देख के आ रहे हैं, शायद आपको दिखा होगा। भाई बहुत दूर में था और पूरा पेड़ था तो जूम उतना फोकस नहीं कर पाए। इसको हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। भाई पूरा जंगल है यार, 3 घंटा आपको लग ही जाएंगे, 2-3 घंटा अगर आएंगे यहाँ पूरा देखना होगा तो। प्राइवेट गाड़ी भी आपको मिलेंगे वहाँ, आपको 10 रुपया आपको लेगा, आगन पूरा आपको घुमा देगा, ठीक है, वो बैटरी वाला है। तो हम लोग पैदल जा रहे हैं, देखते हैं आगे कहाँ तक हम लोग घूम पाते हैं। लगभग तो हो ही गया, अब लास्ट है, देखते हैं आगे। कहाँ संदेह, बहुत मस्त है लास्ट है पर बहुत मस्त है, क्या बोले बात। हिमालय काला भालू यहाँ पर है दोस्तों, इधर लिखा हुआ है सब कुछ। इधर घुसते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इधर, यही रास्ता आप दोस्तों आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत दहाड़ रहा है भालू। ये देखो भाई, मैं दिखाता हूँ आपको, कहीं भाग ना जाए। दोस्तों ये देख सकते हो, ये है भालू। वाह भाई, भाई देखो यार, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भालू। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं मगरमच्छ के पास। यहाँ मैं आपको मैं दिखाता हूँ, इधर है, देख सकते हो कितना भीड़ है। मगरमच्छ मैं आपको मैं दिखाता हूँ, शायद आपको दिखेगा। इधर से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा भाई, दिखाता हूँ मैं आपको। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजार। ये देख लो भाई, इधर सर दिख रहा होगा आपको, ये है साहिल, जो पूरा शरीर में जो काटा टाइप का होता है ना, वही है। चलिए मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से, देख लो भाई यहाँ पोस्टर भी लगा हुआ है, देख सकते हो, ये है साहिल। दिखाता हूँ भाई, इधर पूरा शरीर पर काटा है भाई, तो शायद आप पिक्चर वगैरह में देखते हैं, मूवी वगैरह में देखते होंगे, आप लाइव देख सकते हो। सुअर जिस तरह होते हैं ना, उसी टाइप का है, देख लो पूरा काटा पूरे शरीर में। उधर भी है पूरा, इसका घर है ये, ठीक है, लाजवाब है भाई साहिल भाई। ये दिख रहा जो आपको सामने, ये है साहिल भाई, इस पर कोई भी जानवर हमला नहीं कर सकता, अगर कोई ऐसा हमला भी करता है तो वो खुद घायल हो जाएगा भाई, इसका शरीर पे इतना कांटे होता है, सीधा घुस जाएगा जो इस पर अटैक करेगा उसमें। ये देख सकते हो भाई, ये है सांबर, हिरन जैसा होता है ना वैसा ही है, आप देख सकते हो, उधर भी पूरा है। चलिए आगे मैं आपको मैं दिखाता हूँ भाई, देख लो सांबर, उधर भी एक, बहुत सारा है यहाँ पर, सिंह भी है, देख सकते हो, रिकॉर्डिंग है कैमरा। दोस्तों फाइनली अभी हम आ चुके हैं हाथी के पास, यानी एशियन एलिफेंट, जो आपको दिख रहा होगा भाई उधर, देख लो दिख रहा होगा, मैं सामने से मैं जाके मैं दिखाता हूँ।
भाई ये यार सामने से यार तो दोस्तों देख सकते हो ये है एशियन एलिफेंट, जो आपको पीछे से दिख रहा होगा। एक छोटा सा बच्चा है, एक बड़ा हाथी आपको दिख रहा होगा, देख लो। तो दोस्तों ये देख सकते हो ये है कृष्ण मृग। मैं आपको मैं दिखाता हूँ कैमरा को ऊपर करके, वह पूरा जाली लगा हुआ है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। मैं सामने जा कर मैं दिखाता हूँ, दोस्तों यहाँ हम लोग आ गए हैं। हम निकलते निकलते दोस्तों एक हम लोग को मिल गया, यहाँ पर देखें सांप के बारे में पूरा पोस्टर लगा हुआ है। ये सांप घर है दोस्तों, यहाँ पर आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन इसका भी कुछ चार्ज है, शायद 10 रुपये मैंने बाहर में देखा था बोर्ड में। यहाँ पर कितना होगा ये तो पता नहीं, दिखाता हूँ मैं आपको आगे इस वीडियो में। ये देखो भाई कृष्ण वासुदेव का एक स्टेचू बनाया गया, जिस पर आपको दिख रहा होगा इधर। वाह तो भाई कमेंट में कुछ इसके बारे में ज़रूर लिखना। ये देखो दिखाता हूँ इधर से, ये है वासुदेव, ये है भगवान कृष्ण। यहाँ पे सर टिकट काउंटर भी है देख सकते हो, लेकिन शायद अभी बंद पड़ा है। 10 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ आपको इसने कर लिया जाएगा। अंदर में दोस्तों सांप वगैरह है, लेकिन अभी शायद बंद है। कृष्ण वासुदेव ये देखने में भाई काफ़ी मज़ा आ गया। कमेंट में भाई ज़रूर इसके बारे में लिखना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों फाइनली अभी मैंने आपको कृष्ण भगवान और वासुदेव का एक स्टेचू मैंने आपको दिखाया। तो कमेंट में भाई ज़रूर जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना भाई, एक लाइक तो बनता है भाई। और यहाँ दोस्तों अंदर में एक सांप का घर था, वहाँ पर आपको 10 रुपये टिकट लगता था, लेकिन भाई अभी जो है ना फिलहाल उसको बंद किया गया है, शायद कुछ कारणवश उतना नहीं पता, लेकिन हम लोग देख भी नहीं पाए उधर अंदर घुसते क्योंकि बंद था। लेकिन जितना भी मैंने आपको दिखाया, भगवान श्री कृष्ण का एक स्टेचू बनाया गया था, सामने में बहुत सारे लोग तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे, वहाँ पर मैंने आपको वीडियो दिखाया भाई। तो दोस्तों फाइनली अभी जो मैंने आपको दिखाया ये था बिरसा बायोलॉजिकल पार्क। तो दोस्तों ये था कुछ वीडियो जो मैंने आपको दिखाया चिड़ियाघर। तो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए आप। दोस्तों हम लोग घर जाने वाले हैं, रूम जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया भाई, लाइट है यहाँ इसलिए मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ वीडियो को, शाम हो चुका है। तो भाई कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन उसको भी ऑन कर देना, ताकि जब भी कोई नया ब्लॉग लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।